की बात करूं तो सच्ची बता रहा हूं, से बहुत ज्यादा यार। विशाल भैया, सबसे ज्यादा तो अरमान ही भाई की बुराई करत है। जहां गुड मॉर्निंग करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, काकू जा चुके हैं स्कूल और सार्थक फिजियोथेरेपी कराने चले गया है, डॉली अपना भैया काम कर रही है और मैं फ्री होकर बैठ गया। मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था और मैंने देखा भाई साहब, कम से कम भी नहीं तो हज़ारों रीलें ऐसी आई होंगी जिसके अंदर ये लिखा था कि विशाल को बाहर निकाल दिया गया है। आप सबको पता होगा बिग बॉस के अंदर विशाल, लव कटारिया और शिवानी तीनों जिन्हें नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है जी। अब इन तीनों में से एक का निकलना तो तय है और ये है फ्राइडे और सैटरडे वीकेंड का वार होगा, सैटरडे संडे नहीं होगा। और अभी ये 9 लोग हैं, 3 में से हो सकता है 2 लोग निकल जाए, कुछ पता नहीं है, 2 लोग भी निकाल हो सकते हैं। एक तो निकलेगा उनकी वोटिंग से, पब्लिक की वोटिंग से। अब तीनों को जिसमें कम वोट मिले तो वो तो एक का जाना तो तय है, एक फ्राइडे को निकलेगा और 2 लोग हो सकता है सैटरडे को निकले, क्योंकि इसके बाद सिर्फ आज है 25 तारीख है, तकरीबन 9 दिन बच गए हैं, सैटरडे संडे है, ठीक है जी। वीकेंड का वार लास्ट जो फाइनल जो है ना, अब जो जितने भी लोग बचेंगे तकरीबन 5 लोग हैं जो फाइनल के अंदर जाएंगे। क्या विशाल वार हो चुका है, क्या खबर आ रही है भाई सब निकल के, अब मैं आपको बताता हूँ। सच्चाई ये है कि अब ये तीनों लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, ठीक है जी। एक टास्क हुआ था उसके अंदर वो लाइव नहीं थी, कल लाइव नहीं चल रहा था, 3 घंटे उन्होंने लाइव बंद कर रखी थी, तकरीबन 6 बजे से लेके रात के 9 बजे तक लाइव बंद थी 3 घंटे। और इनका एक टास्क हुआ है वो अभी शो नहीं हो पाया और उसमें से एक है कंफर्म बाहर निकलने के लिए तय हो चुका है कि किसको ये बाहर निकालेंगे। और सब लोग कह रहे हैं भाई साहब बिग बॉस गंदा गेम खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो खेल रहा है। अगर देखो गेम का नाम ही बिग बॉस है भाई साहब, अगर आप जो सोच रहे हो ना तो उससे वो 4 कदम आगे चलते हैं अपनी गेम। अगर कोई वहाँ पर जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जितने भी मतलब खिलाड़ी हैं, जितने भी लोग हैं, वो कोई भी चीज़ सोचते हैं ना, मगर बिग बॉस उनसे पहले ही पहले कोई ना कोई चीज़ें सोच लेता है। वो वहाँ पर आपकी अपनी मर्जी नहीं चलती, वहाँ पर ये है कि आप हर टास्क के लिए, हर चीज़ के लिए तैयार हो, जैसे टास्क मिलेगा या वैसे वोटिंग होगी। आधी रात को भी भाई साहब निकाल सकते हैं इनको बाहर, और एक बार पहले भी हो चुका था, तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब रात को निकाल दिया गया था बिग बॉस के अंदर से। कभी भी एलिमिनेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है जी। अब प्रॉपर तरीके से लव कटारिया लव कटारिया को विशाल को और शिवानी को प्रॉपर तरीके से नॉमिनेशन हो चुका है और तकरीबन 99% लोग कह रहे हैं कि विशाल निकलेगा। अब भैया, अब ये तो सच्चाई तब पता लगेगी, फ्राइडे या सैटरडे को पता लगेगा कि कौन निकलेगा। यानी कि ये है, इतना तय है कि विशाल के साथ साथ कोई ना कोई और बंदा निकलेगा, क्योंकि 9 लोग हैं, इनको अभी फाइनल वीक तक लेके जाने हैं 5 लोगों को। अब फाइनल में 5 कौन कौन जाएंगे एक बारी कमेंट्स करके बता देना, ठीक है जी। और मेरे को तो लग रहा है शिवानी तो भाई जाएगी, हो सकता है शिवानी जाए फाइनल तक। बाकी अब देखो रणवीर जी का भी जाने का चांसेस है, बाकी अब कौन कौन और जाएगा, तो एक अरमान के भी जाने के चांसेस है फाइनल के अंदर, ठीक है। 3 लोग तो ये हो गए हैं, बाकी 2 लोग और कौन से जाएंगे अभी तो आपको सबको पता चल जाएगा। बस आज है वीरवार यानी कि थर्सडे है, फ्राइडे कल शाम तक वेट करना, उसके बाद धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कौन जा रहा है बिग बॉस में फाइनल वीक में कौन है। मैं सुबह से आज बिग बॉस देख रहा था, मैंने कितने दिन से देखा नहीं था यार, मैंने इंस्टाग्राम भी देखा, मैंने कहा यार बड़े सारे मैसेज आ रखे हैं, बड़ी सारी वीडियो बनी हुई है विशाल के ऊपर, तो एक और यार मैं चेक करता हूँ। और इनका जो ग्रुप है ना वो अलग हो चुका है, विशाल अलग बैठ रहा है, कटारिया अलग बैठ रहा है, सना अलग बैठ रही है, शिवानी इनके ग्रुप में आ गई है जी, अरमान के और रणबीर के ग्रुप में आ चुकी है, ठीक है जी। अब ये एक दूसरे की बुराइयाँ बता रहे हैं जी, विशाल ने आपके बारे में ऐसे बोला था अरमान जी, कटारिया ने ये बोला था, सना ने ये बोला था। अब शिवानी सबसे ज़्यादा भड़की हुई है, शिवानी निकाल निकाल के भाई साहब सबकी बुराइयाँ कर रही हैं और सना को सबसे बुरा बना दिया उसने विशाल, सना ने तो पहले कह दिया था भैया मैं तो गेम जीतने आई हूँ, ना मेरे इस गेम के अंदर कोई फ्रेंड है, ना कोई दोस्त है, ना कोई यार है। देखो ये भी बात सही है, सीधी सी बात है, क्योंकि हर कोई गेम जीतने आया हुआ है। अगर 2 लोग हैं ना, वो सोचेगा मैं जीतूंगा। देखो गेम जीतने के लिए आए हैं, बिग बॉस में आए हैं तो गेम जीतने के लिए आए हैं, यारी दोस्ती पालने तो आई नहीं अंदर, ठीक है जी। यारी दोस्ती एक अलग चीज़ है, गेम को जीतना एक अलग चीज़ है। अब ये पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी के अंदर है, 4 लोग अलग हो चुके हैं। हाँ जी, आओ जी, मैं डॉली को वही बता रहा था, मैंने कहा डॉली सारे जने शिवानी का, कटारिया का, विशाल का, सबका ग्रुप अलग हो चुका है,
मैं सुबह से आज देख रहा था, मैंने कहा यार देखो, दोपहर तक मैंने देखा है, पता लग गया कि भैया क्या सीन हो रहा है क्या सीन नहीं हो रहा, अब शाम तक पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी भाई साहब, एक प्रोमो आया था, वो मैंने अपलोड करके डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पे डाला और मैंने पूछा इस बारी कौन बाहर होगा शिवानी विशाल और कटारिया से। ये समझ लो कि अगर 100 कमेंट्स आए ना, 100 में से 90% यानी कि 90% लोगों ने बोला है कि विशाल बाहर होगा। भाई साहब अभी तो कह रहे हैं सारे विशाल बाहर होगा, विशाल बाहर होगा, हो सकता है गेम पलट भी जाए भाई, कटारी और शिवानी के अंदर से भी बाहर हो सकता है कोई भी जना, ठीक है ना। अगर ये पब्लिक वोटिंग के ऊपर हुआ तो इसको एल्विश के चक्कर के अंदर भाई कटारिया को तो वोट मिल जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि एल्विश ने अनाउंस कर देना है और कटारिया को धड़ाधड़ वोट मिलने शुरू हो जाएंगे। विशाल वोटिंग के मामले में रह जाएगा पीछे और शिवानी की फैन फॉलोइंग भी अच्छी है, ठीक है जी, उसको थोड़ा सा अच्छे वोट मिल जाएंगे। हो सकता है विशाल का तय होना, तो भैया कह रहे हैं 99% लोग बाहर हैं, बाकी देखो अब शाम तक पता चल जाएगा क्या सीन है क्या सीन नहीं है, ठीक है जी। एक बारी आप कमेंट्स करके ज़रूर बता देना कौन बाहर हो रहा है कौन बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है। बस मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। मैंने काफ़ी टाइम से ना बिग बॉस के ऊपर ना मैंने बनाया नहीं था यार कोई ब्लॉग, अब काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे भैया आप एक बार बिग बॉस के ऊपर भी बताओ कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। भैया अब जो मैंने लाइव देख रहा हूँ ना, अभी भी एक टास्क हो रहा है, अभी भी टास्क हो रहा है, उन्होंने लाइव बंद कर दिया भाई साहब, लाइव बंद कर दिया उन्होंने, अभी भी टास्क हो रहा है। मेरे ख्याल से बाहर निकलने की तैयारी हो सकती है, हो सकता है कि शाम को मैं 4 या 5-6 बजे लाइव देखूं तो पता लगे एक बंदा बाहर निकल गया। ऐसे ही हुआ था उनके टास्क के अंदर, वीकेंड का वार आया था, ठीक है जी, वीकेंड के वार के अंदर सब लोग थे, वीकेंड का वार जैसे ही ख़त्म हुआ जैसे ही लाइव आया ना उसके अंदर, दीपक जी का तो पता लग गया था कि बाहर आया है, और क्या कहते हैं जो टास्क हुआ था उसके अंदर अदनान और सना मकबूल दोनों के दोनों बाहर निकल गए थे, बाद में पता लगा और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास पता लगा जी वो दोनों के दोनों बाहर हो चुके हैं, टास्क हुआ था वीकेंड वार के बाद एकदम, और उनको निकाल दिया गया है, ठीक है जी। अब इस टाइम भी एक टास्क हो रहा है, हो सकता है भैया निकलने की तैयारी हो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भैया कोई ना कोई निकल रहा हो। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉक का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में, अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बाय बाय।